मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। अफगानिस्तान के हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। काबुल एयरपोर्ट की जिस तरह से एक के बाद एक वीडियो सामने आ रही है, ये काफ़ी चौंकाने वाली वीडियो है। यहाँ अब तक की हुई गोलीबारी में 5 लोगों की जान चली गई है। तालिबान ने अफगानिस्तान के ज़्यादातर हिस्सों पर कब्जा जमा लिया है, जैसे कंधार, हेरात, मजार शरीफ और जलालाबाद जैसे शहरों समेत 25 प्रांतीय राजधानियों पर कब्जा जमाया है। अफगानिस्तान से बाहर निकलने का मात्र एक ही साधन था, काबुल एयरपोर्ट, और इस एयरपोर्ट पर काफ़ी अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। बताया जा रहा है कि काबुल एयरपोर्ट पर अमेरिकी सेना की तरफ से की गई फायरिंग में 5 लोगों की जान चली गई है, और इस हवाई अड्डे पर फायरिंग के बाद बिगड़ते हालात को देखते हुए एयरपोर्ट को भी बंद कर दिया गया है। वहीं ये भी बताया जा रहा है कि तालिबान ने राष्ट्रपति भवन पर भी कब्जा कर लिया है। वहीं अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को निकालने की कवायद भी शुरू की गई थी, मगर इसी बीच खबर सामने आई है कि हालात बिगड़ते हुए देख काबुल और दिल्ली के बीच उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। देश छोड़ चुके अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कहा है कि तालिबान के कब्जे के बाद उन्होंने इसलिए देश छोड़ दिया था क्योंकि वो खून खराबा नहीं चाहते थे। अफगान मीडिया के अनुसार अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद अली अहमद जलाला को सरकार का नया प्रमुख बनाया गया है। जलाला जर्मनी में अफगानिस्तान के राजदूत के रूप में भी रह चुके हैं, यानी कि तालिबान अब अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा करते हुए जा रहा है, और जिस तरह से वीडियो सामने आ रही है ये बेहद ही हैरान करने वाली है। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टीवी।